चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। इफ टू लाइट वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी हैव इंटेंसिटी रेशियो 4:1 एंड दे इंटरफियर, द रेशियो ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा इंटेंसिटी इन पैटर्न विल बी। देखो फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब है कोहरेंट सोर्सेज हैं, दोनों लाइट जो है कोहरेंट सोर्स वाली लाइट्स हैं, कोहरेंट वेव्स हैं, और इंटेंसिटी डिफरेंट है। इंटेंसिटी I1/I2 इज इक्वल टू 4:1 का मतलब 4/1, या इसको आप 4:1 ऐसे लिख दो। ठीक है, अब दोनों अगर अगर मैक्सिमा बना रही है, यानी फेज डिफरेंस जीरो है, फेज डिफरेंस जीरो पे मैक्सिमा बनेगा और फेज डिफरेंस पाई पे आपका मिनिमा बनेगा। ठीक है, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो होती है ब्रैकेट में अंडर रूट में I1+√I2 का स्क्वायर, और आई मिन की वैल्यू जो होती है, मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू होती है ब्रैकेट में I1, ठीक है, माइनस अंडर रूट में I2 का होल स्क्वायर। तो मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो चाहिए, तो आई मैक्स अपॉन आई मिन मिनिमम, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में I1+√I2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट में I1-√I2 का होल स्क्वायर। अगर यहां से ऊपर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से √I2 जो है कॉमन लेके बाहर निकाला जाए, तो √I2 का होल स्क्वायर बाहर आएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आएगा अंडर रूट में I1/√I2+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे भी √I2 का होल स्क्वायर आएगा क्योंकि नीचे भी √I2 जो है कॉमन लिया जा रहा है, तो √I1/√I2-1 का होल स्क्वायर, और ये दोनों वैल्यूज कट जाएंगी रूट। ठीक है, अब यहां पर आई मैक्स अपॉन आई मिन की वैल्यू क्या होगी, वो होगी अंडर रूट में I1/√I2+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √I1/√I2-1 का होल स्क्वायर, और I1/√I2 की वैल्यू है 4/1, मीन्स 4/1 अगर यहाँ रखा जाए तो ये आएगा √4+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √4-1 का होल स्क्वायर। रूट फोर का मतलब टू हो गया, 2+1 का होल स्क्वायर अपॉन 2-1 का होल स्क्वायर, इट मीन्स 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9/1। ठीक है, तो आई मैक्स अपॉन आई मिन जो हो गया 9:1, ए वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।